आज फटाफट फुल दोनों हाथ के रोंगटे खड़े हैं और हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं नंदन वाजपेयी आपके लिए एक नया एनालिसिस वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि ये वीडियो इस इंसान के बारे में है और इस चैनल के बारे में है। ये वो चैनल है जिसकी अप्रिसिएट मैं काफ़ी समय पहले से करता चला आया हूँ अभी तक, और काफ़ी अच्छी शुरुआत भी की थी और अच्छे और सच के लिए की थी, लेकिन आज ये कहीं भटक गए भाई साहब। सवाल ये नहीं है कि आज इनके पास सब्सक्राइबर अधिक हो गया है या जो भी हो गया है, नो मैटर, लेकिन अपने मुद्दे से भटक गए। तो मुद्दे इनके क्या थे, इनका जो शुरुआत इनकी हुई थी चैनल की, उस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। उसकी बायोग्राफी क्या है वो अभी आपको बताना उचित भी नहीं है, और यहाँ पर मुद्दा सिर्फ इतना है कि फेक कंटेंट। तो जैसा कि आप लोगों ने जो है थंबनेल भी देखा होगा, और हमारा जो है जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, बस यही है कि फेक कंटेंट जो फेयर मामले में फेक कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, एक मिसाल कायम कर रहे हैं ये लोग। एक वीडियो वायरल हुई है, वो कहाँ की है, दिल्ली की है या दिल्ली से बाहर की है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई लोग हैं जो कहते हैं भूत नहीं होते हैं, गाइस क्या आप ये बताएं, अगर ये भूत नहीं होते तो पुलिस प्रशासन के सामने ये एक्टिविटी कौन कर रहा है? देखा जाए तो मतलब और समझ में नहीं आता है कि पब्लिक को आखिर इस तरीके के वीडियो में इनके क्या दिख जाता है, जो कि ये मतलब जानबूझ के दिखाना चाहते हैं या ऐसा कुछ है भी, ये समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि इनकी जो शुरुआत हुई थी बहुत ही अच्छी हुई थी, और इनको ये खुद भी जो है फेक कंटेंट, जो फेक क्रिएटर थे जो हॉन्टेड वीडियोस बनाते थे, उनके विपरीत जो है इनकी सोच थी, पर ये आगे चलकर आज की तारीख में ये बदल चुके हैं। ये लोगों को किस चीज़ की बेवकूफ़ी बनाई जा रही है, दिया अंदर जल रहा है, अब इन्होंने क्या बोला 11 बजे, आपको पता है 11 बजे का टाइम एक बहुत ज़्यादा खौफनाक टाइम होता है, अगर यहाँ पे अकेले रहेंगे तो इनको कोई भी अंदर बुला लेगा। जब कुछ मिलना नहीं है तो इसमें कुछ जाना है और जयो कर देना है, बदनाम खूनी झील नाम है, मतलब समझ लीजिए खून होते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं। और एक भाई के लिए है बड़ा सीधा साधा सा संदेश कि मेरे भैया विजय पवन सिंह, ये जो बच्चों को लेके तू जाता है ना इधर से उधर, जो शमशान घाट में और कसारा घाट में, बुलाएगा जब ना जब कोई चीज हो, अपने दिमाग का ताला खोल लो और अपने आप को कर लो बिल्कुल सही। मैंने तुमको पिछली बार कहा था कि जब मैंने एक आपको चैलेंज वाली वीडियो बिल्कुल कभी आपको कोई आवाज वगैरह कुछ आई है यहाँ से, मुझे पूरी दीवार को इन्होंने जला के काला कर रखा है, काफी सारी किल्स वगैरह गाड़ी गई हैं, और अंधविश्वास का जीता जागता नमूना यहाँ पे आपके सामने पेश किया है। ये भाई मेरे साथ आया पहली बार, भाई आपको यहाँ क्या फील हुआ? हमें तो कुछ फील नहीं हुआ, ये अंधविश्वास है। इनका कंटेंट ही पूरा चेंज हो गया है और ये खुद भी फेक ही दिखा रहे हैं सब कुछ। तो अभी बिल्कुल सेम थोड़ी सी आगे जाके वहीं पे हमको पैर दिखा था। तो अब लोगों को फेक पसंद है, क्या पसंद है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे पास, जो मैंने नोटिफाई किए हैं इनके वीडियोस में। मैं खुद भी इनके वीडियोस देखता हूँ और वीडियोस अच्छे भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उतना जो है किसी को बनाया जाता है जितना वो लाजमी दिखे, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हम और आप अनभिज्ञ हैं इन चीज़ों से। प्यार दिखा, ये क्या था? पता नहीं क्या लगा तुम्हें, मैंने कुछ अजीब सी आवाज थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनके एक पिछले वीडियो देखिए आप, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप ये लास्ट वीडियोस जो इन्होंने 2-3 बना रखे हैं, जैसे कि ये बच्चों का जो है कब्रिस्तान है जो भी है, तो वहाँ का वीडियो इनका देखिए। इन्हें कोलैप्स भी किया हुआ है, एक और फेक कंटेंट क्रिएटर है जो हंटेड क्रिएटर, उसके साथ कोलैबोरेशन किया इन्होंने और वहाँ पर ये गए हुए हैं। वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हरकतें, एक्टिविटीज़, ज़बरदस्ती की जो हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपने वीडियोस में इन्होंने शो की हैं। और वो हॉन्टेड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि बिल्ली भी जा रही है तो ये उसको एक
मतलब हॉन्टेड जो है निगाहों से ही देखेंगे कि मतलब एक हम लोगों को ये शो करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भूत हो या विच हो, चुड़ैल हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ। हाँ यार, वहाँ पे बिल्ली बिल्ली जंप करी, ऐसा लगा जैसे वाइट वाइट से इधर किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही हो। मौसम में पता नहीं क्या काफी ज्यादा हीट सी फील हो रही है, हीट सी सिर्फ यहीं हो रही है, इसी जगह फील हो रही है। बाकी अभी जब हम आए थे तो मौसम बहुत अच्छा था। एक मिनट ये कुत्ता जा रहा भाई। तो इस तरीके के जो है एक्टिविटीज पूरे वीडियोस में इनके देखने को मिलती है। इनका लास्ट वाला वीडियो आप उठाइए, इन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ भी वहाँ पर शो की है। तो बच्चों के रोने की आवाज़ भाई आपको बता दूँ, आप लोगों में से कई सारे इनके जो है सपोर्टर्स भी होंगे और इनके सब्सक्राइबर भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। अभी इनके वीडियो में गोश्त नहीं शो हुआ, ठीक है ना, ये एक्टिविटीज शो करते हैं और जानबूझ करके शो करते हैं कि बच्चे रो रहे हैं या बच्चा रो रहा है कोई, ठीक है, ऐसा शो किया इन्होंने कि कब्रिस्तान आए और बच्चा रो रहा है। इवन ये भी कहा कि बच्चा पापा बोल रहा है। ओम आवाज आ रही है बच्चे की? ये तो अभी मैंने रिकॉर्ड किया गाइस। ओम आवाज आ रही है यार, हाँ बिल्कुल क्लियर आई यार, पापा है ना, पापा कर करके बुला रहा है, ठीक है ना, और ये कहते हैं मैं निकल आया वहां से। तो भाई पहले तो ये देखो आप कि बच्चा किस तरह से रोता है, तो वो इस तरह से रोता है। तो ये आप सभी लोग देख सकते हो कि बच्चे का रोना कुछ ये सब एडिटिंग का होता है कमाल, ठीक है ना, एडिटिंग से किसी को भी रुला सकते हैं, ये किसी चुड़ैल को भी जो है चला सकते, फिरा सकते, सुनाई दे सकता है, सब कुछ हो सकता है। एडिटिंग हॉन्टेड क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो आज भी जो है अपने वीडियोस में हॉन्टेड वीडियोस में वही दिखा रहे हैं जो सच होता है। लोगों को लगता है कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई औरत पुकार रही है, कोई आदमी सरकटा घूम रहा है। आपने इसको दिमाग में डाल लिया एक्चुअली। देखो ये हो रहा है, ये आवाज है, इससे आपको ये चीजें हॉन्टेड लगती है। और जिस जो उनका उसूल है वो अपने उसूल पर कायम है आज भी, जैसा कि उनका ये मानना था कि भाई ऐसी कोई जगह अगर होती है हॉन्टेड प्लेसेस तो वहां पर ये लोग जाते हैं और उस चीज को अनुभव करते, फील करते उस जगह को, ठीक है, पर इनको कुछ नहीं दिखाई देता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रियल कंटेंट क्रिएटर है, जो रियल हॉन्टेड क्रिएटर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हॉन्टेड प्लेसेस पर जाते हैं जिनमें इतना जज्बा होता है कि पहली चीज तो वो जाते हैं और रियल टाइम पे जाते हैं। मैं इनकी बात करूं अगर तो ये भाई साहब कभी भी अपने इनसे आप लोग सवाल करिए, ठीक है, आप लोग अगर इतनी कमेंट्स मेरे को दोगे तो इनको भी दीजिए और इनको भी देते हो आप कमेंट्स, तो अगर पॉजिटिव कमेंट्स देते हो तो सवाल पूछना भी आपका हक है, ठीक है ना। इनसे सबसे पहला सवाल आप कीजिए कि भाई आप अगर जाते हो तो आप क्या टाइमिंग पे जाते हो, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप जाते हो तो गूगल टाइम क्यों नहीं दिखाते हो, ठीक है ना। तो रात में देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर 100 आदमी है, 1000 आदमी है, 5000 है, 5 लाख है, कुछ भी है, तो उसमें करीब 80% आदमी ऐसा होता है, 70-80% जो शाम के मतलब 10-11 बजे तो नॉर्मल बात होती है, कहीं पर भी निकल जाता है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल दैनिक जिंदगी होती है लोगों के जगने की, ये 11-11:30 तक तो एक आम बात है पूरे भारत में। आई थिंक मैं सोचता हूँ सभी लोग ज़्यादातर जो है जगते होंगे, 70% पीपल तो जो है जगता ही होगा, ठीक है, उसकी लेट नाइट दिनचर्या हो गई है सोने की। तो लोगों को जो है कहीं पर भी 10 बजे और 9 बजे 8 बजे 7 बजे निकल करके चले जाना और किसी जो है अंधेरी जगह को शूट कर लेना, ये कोई हॉन्टेड बात इसमें नहीं हो जाती है, ठीक है ना। बात होती है सही जज्बे की अगर कहूँ तो, जो भूत हमारे मन में घुसेड़ा गया है बचपन से हम सभी के मन में, उसके लिए एक माइंड सेट किया गया है कि भाई भूतियों की जो टाइमिंग होती है वो रात को कहीं ना कहीं 1-2 बजे के बाद से लेकर के सुबह 3:30 बजे तक के बीच की होती है। तो इस टाइमिंग पे इवन आप जाओ या 12 बजे के बाद, तो हम लोगों का माइंड ही सेट है कि भूत आएगा ही आएगा कहीं पे भी। अगर अंधेरा है 12 बजे के बाद आप जा रहे हो तो वहाँ पर हमारा माइंड सेट होता है यार कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत आ जाए, ये ऐसा डाला जाता है। तो इसी वजह से तो आप और हम वीडियो देखते हैं ना हॉन्टेड। चलिए तो इनसे आप ये सवाल करिए कि भाई आप 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद जाइए ना वीडियो बनाना अगर आपको हॉन्टेड ही, ठीक है, उस जगह का अनुभव कराइए ना कि हमें भूत दिखाइए। कहते हमें भूत नहीं देखना है क्योंकि भूत दिखाई भी नहीं देगा। भूत कोई साक्षात फिजिकल चीज नहीं होती जो सामने आपके आकर के खड़ी हो जाएगी। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है ना।
अच्छा दिखाई भी देता है, कई लोगों को दिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर अनुभव करा जाता है उस चीज़ का। अब ये नहीं है कि आपने एडिटिंग में शो कर दिया कि देखो मेरे पीछे से कोई निकल करके चला गया एकदम से। व्हाइट कपड़ों में और उसको आपने ब्लर कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो यहाँ पर आधी जनता यही समझ जाती है हाँ यार आपके वीडियो में भूत तो था, ठीक है ना। उसके बाद बात करते आप बच्चे रुला देते हो यार, ये कौन सी बात है, बच्चे इस तरह से नहीं रोते हैं। और बार बार ये जो एक्टिविटी करना, मुझे कोई आवाज़ आई, देखो वहाँ कोई आवाज़ आई, यहाँ कोई आवाज़ आई, वहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ जंगल में आवाज़ आ रही है, वो नीचे पुल के नीचे से आवाज़ आ रही है, ये देयर इज़ नथिंग, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि कोई आवाज़ आ रही है, कोई भी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती है। दरअसल आप वो हमें सुनाना चाहते हो, ज़बरदस्ती सुनाना चाहते हो। अब ठीक है, अब आगे का पॉइंट रखते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो मुझसे अभी बोलेंगे और मेरे ऊपर कमेंट भी करेंगे कि भाई तू क्यों नहीं चला जाता रात को वीडियो बनाने, तो मैं आपको बता दूं भाई कि मैं रात को वीडियो बनाने का काम नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। मैं तो खुल के बोल रहा हूं कि मेरा ये काम भी नहीं है और मैं बना भी नहीं सकता हूं यार, मेरे को फियर है, ठीक है। तो आम स्कैरी बॉय, मुझे डर लगता है और मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं झूठा तसल्ली नहीं दे सकता हूँ किसी को, नहीं कि हाँ मैं दो बजे के बाद वीडियो बना सकता हूँ या चला जा सकता हूँ भूतों से मिलने, ऐसा कुछ नहीं। मैं कोई जो है ग्रेवयार्ड वगैरह नहीं जा सकता हूँ, ये सच है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं ये तो नहीं कर सकता आप लोगों के लिए ना कि मैं 7 बजे या 6 बजे जाऊँ शूट पर और शूट करके अंधेरे को दिखा दूँ आपको कि देख भाई मैं रात को गया था 2 बजे और ये यहाँ पर ये हुआ, या मैं 6 बजे के बाद अंधेरा ढलते ही बाद कहीं पर भी किसी ग्रेवयार्ड चला जाऊं, किसी घाट चला जाऊं जहां जो है लाशें जलाई जाती हैं, ठीक है, मरघट चला जाऊं, ऐसे तो नहीं है ना कि मैं 7 बजे जा करके मरघट और आपको शूट करके दिखा दूं भाई यहां देखो ये मुर्दे जल रहे हैं, मेरे पीछे ऐसा लगा मेरे को कोई था या वहां से मुझे कोई देख रहा था, इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकता हूं भाई। तो वही मैं बता रहा हूं, और मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो लोग भी ऐसा नहीं करते हैं जो रियल कंटेंट दिखाते हैं, जो रियल हॉन्टेड दिखाते हैं, जिनके वीडियो में हमें हॉन्टेड चाहिए। हॉन्टेड का मतलब भूत नहीं होता है, हॉन्टेड का मतलब होता है एक दहशत, एक खौफ, भूतों से खौफ, भूतों द्वारा जो होने वाला खौफ है, जो डर होता है वो होता है हॉन्टेड। हॉन्टेड का मतलब कोई भूत या चुड़ैल नहीं होता है, हम डरे ये है हॉन्टेड। हॉन्टेड इज अ सब्जेक्ट, हॉन्टेड इज अ फील, ठीक है, एक विषय है हॉन्टेड जो हमें फील होना चाहिए, वो आपके वीडियो में फील आप जबरदस्ती करा रहे हो यार, ऐसा नहीं है। हॉन्टेड आप जाओ, लोकेशन जाओ, हम देख के डर जाएंगे यार, और जो डरे वही तो हॉन्टेड है, वही तो हॉन्टेड है, लेकिन यार जबरदस्ती आप डराओ। अभी मैं बात करता हूँ इन भाई की, ये भी जाते हैं कितने जज्बे से जाते हैं, लेकिन कभी जबरदस्ती अपने किसी अपने वीडियोस में ये शो नहीं करते हैं इस चीज़ को कि हाँ भाई ये देखो मेरे पीछे से कोई निकल गया या आवाज़ आई या इस तरह से बच्चा रोया। अब कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, देखिए इनमें कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ मैं, चलिए आगे इन पॉइंटों को आप देखिए, बाकी की बातें तो जो है होती रहेंगी, बहुत सी चीज़ें हैं जो नोटिफाई कर रखी हैं, उनको जो है डिफाइन करूंगा किसी और वीडियोस में। अभी आप लोग पेट भर के गालियां चाहो तो दे सकते हो, अब्यूज़ कर सकते हो, नो मैटर, इट डजेंट मैटर। अब यहाँ ये हाँ बात करता हूँ मैं आपको, इस मैंने कुछ चीज़ें नोटिफाई की हैं कि आप, मैं देख रहा हूँ आपके कुछ वीडियोज़ जो हैं वो कुछ नहीं, ज़्यादातर अभी तक के वीडियोस हैं वो, एक तो ये दिल्ली क्या हॉन्टेड की भरमार है, दिल्ली एक ऐसा जो है राज्य हो गया है जहाँ पर सारी हॉन्टेड प्लेस दिल्ली में है, जितने भी हॉन्टेड क्रिएटर हैं सब दिल्ली में जाते हैं और दिल्ली को बदनाम कर रखा है यार। मैं दिल्ली का नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी जो है दिल्ली का भला ही चाहता हूँ, और दिल्ली का क्या, मैं पूरे भारत का भला चाहता हूँ यार, क्यों ऐसी किसी जगहों को हम लोग जो है ज़बरदस्ती का हॉन्टेड बना दें, क्यों बनाए, क्या हक है हमको। पहली चीज, कुछ जगहें दिल्ली पर ऐसी बताई गई हैं जो हॉन्टेड हैं, उनको गूगल भी जो है, गूगल के कुछ आर्टिकल्स भी जो है हॉन्टेड बता रहा है। अब लोगों का माइंड ये सेट है भाई कि हॉन्टेड मतलब गूगल ही जो है इस चीज को हॉन्टेड बता रहा है, तो क्यों ना माने हम, गूगल भाई अपने मन से नहीं बता रहा हॉन्टेड, गूगल जो है हम ही लोगों की एक्टिविटी से, हम ही लोगों की बातों से, ठीक है, दुनिया जैसा जो आर्टिकल लिखती है उनकी कुकीज निकाल करके सब कुछ देख करके ओवरऑल कई लेयरों की जांच मतलब करता है, तो उसको भी जो है आर्टिकल अपना देना होता है तो वो दे देता है भाई, दे दिया उसने। गूगल हम ही और आपसे सुन करके जो है जो भी करता है डिफाइन करता है, वो अपने जो है उस चीज़ को शो करता है। हमारा आपका फ़र्ज है
कि हम ऐसी किसी भी जगह को जो है हॉन्टेड ना बताएं, क्योंकि उसका रीजन है, इवन आप कहीं पर शूट करने जा रहे हो और आपको कंटेंट चाहिए, आपने शूट भी कर लिया और लोगों को ये बता दिया कि भाई देख मैं ये हॉन्टेड प्लेस पर गया, मैंने ये शूट किया और वहाँ कोई दिखा था, आप ये तो कहो कि हाँ मैं आज इस ऐसी जगह पर आया हूँ जो कि बहुत ही हॉन्टेड कहलाती है और बेस्ट ऑफ द हॉन्टेड प्लेस है ये दिल्ली का, इस तरह से आप बोल सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप जब ये कहोगे कि जो है यहाँ पर मेरे को ऐसा फील हुआ, मेरे को यहाँ पर ऐसा कुछ फील हुआ, इस तरह से अगर आप बोलोगे कि भूत फील हुआ या मेरे को चुड़ैल दिखी ऐसा कुछ, तो भाई उससे होगा क्या ना कि वहाँ पर हमारे या आपके जो छोटे छोटे कुछ भाई बहन होते हैं, ठीक है, उन रास्तों से हो सकता है स्कूल जाते हों, निकलते हों या नहीं भी, वो छोटे छोटे क्यों यार, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म हृदय से संबंधित होते हैं, उनको जो है उनकी हृदय की धमनियाँ इतनी तेज नहीं होती हैं, उनको नहीं बर्दाश्त होगा इस तरह की बातें सुनकर कर, और उनके मन में डर बैठ जाएगा, बच्चों के मन में डर बैठ जाएगा वहाँ से, और उनके मन में हमेशा के लिए यह इतिहास कर जाएगा कि हाँ फलाना वीडियो मैंने देखा था और ऐसा ऐसा आर्टिकल भी देख चुका हूँ, तो वो हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ नहीं जाऊँगा, मम्मी से बोलेंगे अपनी, मम्मी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये मत करिए, उससे इफ़ेक्ट जो है बहुत इम्पैक्ट ख़राब पड़ेगा, आप खुद ही इम्पैक्ट ख़राब कर दोगे यार, अपनी छवि आज नहीं कल ख़राब करोगे, हो सकता है आप अपने व्यूज़ के लिए या अपने कंटेंट के लिए कुछ भी कर रहे हो, नो मैटर, करिए आपका भला है, लेकिन उन लोगों के साथ मत खेलिए जो लोग सच में यार मंदिर बने होते हैं कई जगह हॉन्टेड प्लेसेस पे, लोग मंदिर तक नहीं जा पा रहे हैं डर की वजह से, इतना डरा रखा है, या यूं कहो कि हॉन्टेड प्लेसेस पे मंदिर बनाने पड़ रहे हैं, इतना डरा रखा है। ये मत करो, किसी भी हॉन्टेड प्लेसेस को इस तरह से मत शो करो कि वहाँ पर हमें भूत दिखा ही दिखा या वहाँ एक्टिविटी दिखी ही दिखी, एडिटिंग के जरिए आप दिखाते हो। अच्छा दूसरी चीज़, होते हैं कुछ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है, होते हैं ऐसे फील्स होते हैं। अब तुम बताओ यार, तीन आदमी चार आदमी एक साथ जाओगे, कैमरे में सिर्फ दो आदमी या एक आदमी दिखाई देता है, आजकल तो जो है कैमरा एक आदमी कैमरामैन होता है, एक आदमी जो है कुछ भी बताया करता है, यहाँ मैं आ गया हूँ, ये फड़ा पीछे वो आवाज़ आई, ये आया वो आया, तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं भाई। तो इनके वीडियोस को आप देखिए, आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि मैंने किस विषय में बात की है। अभी मैं आता हूँ एक इनके लेटेस्ट वीडियो पे, जो अभी इन्होंने जो है हाल ही में डाला हुआ है और एक बहुत बहुत ही वायरल न्यूज़ है, वो जो हम सब ने देखी होगी न्यूज़ चैनल्स पे अभी चली है, कोई जगह है जहाँ पर पार्क में झूला लगा हुआ है और कुछ पुलिस वाले कुछ हमारे प्रशासन के कुछ लोग जो है खड़े होकर के उसको शूट भी कर रहे हैं और कुछ पत्रकार संबंधित लोग भी हैं उसको शूट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये झूला जो है इसकी गतिविधियां जो हैं अपने आप हो रही, स्वतः ही हो रही हैं बिना किसी फिजिकल बॉडी के, मतलब किसी भी फिजिकल जो है कोई भी वहाँ पर ऐसा मौजूद नहीं, उस झूले पर कोई नहीं है, फिर भी वो अपने आप चलता चला जा रहा है, इस तरह से वो हिल रहा है, प्रॉपर हिलता चला जा रहा है, स्विंग हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कोई भूत नहीं था, और आपको चूंकि कंटेंट चाहिए तो आपने उसमें भूत बैठा दिया और लोगों को बता दिया कि आप वीडियो सुबह सुबह बनाना चालू कर दिए कि हाँ भाई देखो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि भूत होते हैं और मेरी बात आप लोगों नहीं मानते थे, तो देखिए ये भूत आ गया झूले पे, ऐसा आपने बोला। और उसके बाद जब पब्लिक ने, आप ही की पब्लिक ने यानी कि गालियाँ दी, नीचे कॉमेंट आप अपने वीडियो के देखिए, तो आपको दिखाई देगा उसमें कि लोग क्या कह रहे हैं, आपसे खुल के बता रहे हैं कि भैया ये कोई भूत नहीं है, तो ऐसा क्यों कर रहे हो यार कंटेंट के लिए, मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से करने का। आप वो करिए जिस वजह से, जिसके लिए आपने शुरुआत की थी, ठीक है ना, आप खुद ही फेक कंटेंट, जो फेक कंटेंट बनाने वाले थे उनके विपरीत आप शुरुआत कर रहे थे, आप खुद ही इस लाइन पे आ गए, फेक दिखाने लगे, ये क्या है। तो भाई पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वो आई थिंक जो उसका जो है रिवील्ड हो चुका है मामला, ठीक है, रिवील्ड की बात कर रहा हूँ और मामला भी रिवील्ड हो चुका है कि वो काशीराम पार्क झांसी स्थान, ऐसा मैंने जो है जहाँ तक सच है, आप भी सर्च कर करके पता कर सकते हो, सब कुछ ईजी है, मेरे को ऐसा जो है फील हुआ है या अभी तक मैंने जो पढ़ा है या समझा है, वो काशीराम पार्क का है वो सीन, वो सभी आप लोग जानते होंगे, उसमें कहने की बात नहीं है, कोई मैं ही नहीं बता रहा हूँ। तो उस पार्क का वो सीन है, वहाँ पर ग्रेसिंग ऑयलिंग वगैरह उस झूले पे की गई थी, उसकी वजह से वो झूला अपने आप जो है चलता चला जा रहा है वो बराबर, तो वो शूट उस तरह, और उस समय जब वो प्रशासन पहुँचा है तो किसी ने जो है मजाक किया हो या जो भी वो मूर्खता की हो वो करी थी,
अभी कई लोग बोलेंगे यार रात बजे रात दो बजे कौन मूर्खता करता है, तो भाई हो सकता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत से बेवड़े होते हैं लोग कर देते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज, तो कर दिया होगा किसी ने, पर जो भी हो वो झूला जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रीसिंग की वजह से हिल रहा था। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को तय करना है कि आपको देखना है क्या नहीं देखना। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि हॉन्टेड के जो है अभी तक जो है सिर्फ दो ही चैनल ऐसे थे जो कि सच सच में जज्बे वाली चीज़ें दिखाते थे और कोई भी चीज़ उनकी फेक नहीं होती थी। अगर फेक कुछ हमें अगर दिखाई भी देता था तो उसको वो बिहाइंड द सीन में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, वो फेक नहीं दिखाते थे। और अब जो है उन दो चैनलों में से एक चैनल जो है अभी उसने अपना खुद का जो है कंटेंट मतलब चैनल जो है क्रिएट कर लिया है, मिस्टर सागर तिवारी और मिस्टर दीपक वर्मा और एक्सप्लोरिंग इंडिया राजेश। तो ये तीन बंदे हैं भाई, इनको याद रखिए, इनको देखिए, ये दिखा रहे हैं आपको जो वो हॉन्टेड कहलाता है, वो हॉन्टेड नहीं कहलाता है जो ये भाई साहब दिखा रहे हैं। इन भाई साहब के पास कुछ नहीं है। तब तक आप ये वीडियो देखिए और आनंद लीजिए, लेकिन मैं क्रिएटिविटी जो आपको दिखा रहा हूँ उसको देखिए कि किस तरह से जो है लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं के बारे में इस तरीके की जो है सोच है, ऐसा सोचना नहीं है। बहुत से फेक ब्लॉगर हैं जो आज की डेट में कंटेंट जो है अपना फेक दिखा रहे हैं। तो देखिए, होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। शुक्रिया, बाय बाय। जो लोग गलत आर्टिकल डालते ना ऐसी जगहों के लिए, एटलीस्ट उन वेबसाइट्स को, उन चीज़ों को, उनको डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि यार ये नहीं है वो चीज़ें। गूगल एक्चुअली इतना बिजी हो चुका है क्योंकि उसे यही नहीं पता कि लोग कुछ भी डाल रहे हैं कुछ भी, क्योंकि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, बट जिसने वेबसाइट बना दी उसने डाल दिया है। क्यों अपने दोस्तों को, घर वालों को, पूरे YouTube को बेवकूफ़ बनाना सिर्फ अपने व्यूज़ लेने के लिए और चीज़ों को दिखाने के लिए, वो गलत है यार। अब मैं डर जाऊँ इस चीज़ों को सुन के। रात को मैंने टाइम आपको दिखाया नहीं, मैं एक बार फिर से आपको टाइम दिखा देता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है ना।